हमारे एक और दर्शक हैं यूट्यूब पर, चंदन घोलेकर नाम है इनका, आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है महेश जी 206 रुपया। बताइए आईआरएफसी पे क्या रणनीति बनाए? फिलहाल एक बार का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वापस से अगर री एंटर लोअर लेवल में कहीं पे 175 से 180 के बीच में ये स्टॉक्स मिलता है तब इसमें वापस से एंट्री करने की सलाह रहेगी। स्टॉक्स काफी ऑलरेडी रन अप हो चुके हैं रेलवे के स्टॉक्स, तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अगर कल सुबह अगर थोड़ा अपसाइड मोमेंटम मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए वापस लोअर लेवल में, मे बी ये 175 से 180 तक के लेवल आपको दिखाएगा तब उसके अंदर एंट्री वापस बना लीजिए। तो थोड़ा अगर कल उछाल मारता है ये स्टॉक का नजर आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह और री एंट्री के मौके खोजने पड़ेंगे आपको। चलिए तो गौरव आहूजा यूट्यूब पर, इन्होंने अपना सवाल टाटा पावर पे पूछा है किरण जी, और 423 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। टाटा पावर क्या करना चाहिए? आज पावर शेयरों में हमने देखा कि जबरदस्त तेजी भी नजर आई। ओवरऑल पावर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमने देख ली और पावर के स्टॉक अगर आप करंट मार्केट प्राइस को देखोगे तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में है। अब टाटा पावर का आज का या प्राइस रिएक्शन आप देखोगे तो पियर्सिंग लाइन बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनी है, कहीं ना कहीं 100 दिवस की मूविंग एवरेज के ऊपर वापस ये कंफर्टेबली क्लोज भी हुआ है। यहाँ पे भी आप मूवमेंट इंडिकेटर में देखोगे तो कहीं ना कहीं रिवर्सल साइन हमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 400 रुपए की स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ। अगर 400 का लेवल ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो 365 के आसपास है वहां तक स्टॉक जा सकता है, तो एज ऑफ नाउ 400 रुपए की स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 440 से 450 का एक रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट वहां तक आप होल्ड कीजिए, वहां आ जाने के बाद वापस अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लीजिए। तो एज ऑफ नाउ 400 की स्टॉप लॉस।